जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी। स्वागत करता हूं आप सबका एक नया फ्रेश वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहां पे बजाज की न्यूली लॉन्च प्लेटिना 110 सीसी के बारे में, जिसमें आपको एक खास तरह का ब्रेकिंग सिस्टम और खास तरह की सस्पेंस क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा डिटेल से बताते हैं इस बाइक के बारे में। और मेरे सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ये बाइक आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो हमसे आप ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको दिख रही है ये न्यूली लॉन्च प्लेटिना 110 सीसी है, और इसमें ग्राफिक की बात करें तो इसमें ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि ग्राफिक में थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं, जो कि आपको थोड़ी सी पुरानी प्लेटिना से ज़्यादा बेहतर दिख सकते हैं। बात करें अगर इसमें परिवर्तन की या फिर वो चीज़ों की जो इसमें खास दी गई हैं या फिर वो चीज़ें जो अभी भी परिवर्तित नहीं की गई हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसके मीटर कंसोल को लेकर कि जो इसमें मीटर कंसोल है उसमें कोई परिवर्तन किया गया है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एनालॉग मीटर आपको देखने को मिलेगा, यानी जो स्पीडोमीटर है वो भी एनालॉग होगा, और जो इसका फ्यूल इंडिकेटर है वो भी आपको एनालॉग देखने को मिलेगा। यानी कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें आपको कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जो पुरानी वाली प्लेटिना थी सेम उसी तरह का इसमें दिया गया है। अगर बात करें इसके ग्राफिक की तो यहाँ पे जो प्लेटिना लिखा हुआ है, हमें उम्मीद थी कि शायद ये 3D में दिया जाएगा, बट ये पुरानी वाली प्लेटिना की तरह ही है, एक स्टिकर वाला टैग दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं हम इसके रियर सस्पेंस की, जो कि इसका एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको नाइट्रॉक्स सॉस एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि एडजस्टेबल होगा, यानी कि आपको जो सस्पेंस क्वालिटी मिलेगी वो और ज़्यादा बेहतर मिलेगी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 110 कम्फर्ट लिखा हुआ है, कि यहाँ पे जो इसका कम्फर्ट होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। और ये बात मानने वाली भी है कि इसका प्लेटिना का कम्फर्ट वाकई काबिले तारीफ होता है। अब देखने वाली बात होगी कि लगभग होंडा की या फिर हम बात करें TVS की, कई सारी कंपनियां हैं जो कि 110 सीसी की बाइक को मार्केट में रैंक करवा रही हैं। अब ये बाइक कितनी बेहतर रैंक करती है ये तो आगे पता चलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे जो इसका जो अट्रैक्शन है वो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंटी स्किड ब्रेकिंग लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको मिलता है ASB, कह सकते हैं इसको कि ये एक खास तरीका का ब्रेकिंग सिस्टम है। जैसा कि आप लोगों को CBS पता होगा कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो कि होंडा की बाइक्स में देखने को मिलता था, उसमें होता क्या था कि आप अगर किसी एक ब्रेक को यूज़ करते हैं तो दूसरा ब्रेक ऑटोमेटिकली वर्क करता था। ठीक यही चीज़ इसमें दी गई है कि अगर आप इसका रियर ब्रेक यूज़ करते हैं तो इसका फ्रंट ब्रेक अपने आप वर्क करेगा। और आप एक परिवर्तन और देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो व्हील है इसका, वो एलॉय जो है इसका, वो उसमें चेंजेस किए गए हैं। यानी कि आप बजाज की NS160 को ले लें तो जो उसमें एलॉय यूज़ किया जाता है लगभग वही वाला एलॉय इसमें लगाया गया है। बात करें इसके फ्रंट लुक की तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे LED DRL दिया गया है। आगे फ्रंट का जो हेडलैम्प है या फिर इसके साइड इंडिकेटर की बात करें उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जो पुरानी वाली प्लेटिना थी वही चीज़ सेम इसमें देखने को मिलेगी। एक चीज और हम आपको बता दें कि इसका जो फ्रंट टायर है और रियर टायर है दोनों आपको ट्यूबलेस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बात करें इसके ब्रेकिंग साइज की तो यहाँ पे फ्रंट ब्रेक आपको मिलेगा 130 mm का, और जो रियर ब्रेक है वो आपको मिलेगा 110 mm का। बात करें बाइक के प्राइस की तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में इसका जो प्राइस है वो है 62,000 से लेकर 64,000 के बीच में। यहाँ पे इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा, और जो रियर सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके इंजन की तो हम आपको बता दें कि इसमें 115 सीसी का इंजन है, जो कि 8.4 BHP की पावर जनरेट करता है 7000 RPM पे। बात करें इसके मैक्स टॉर्क की तो वो है 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वो भी 5000 RPM पे। यानी कि टॉर्क और इसका जो पावर है वो काफ़ी काबिले तारीफ दिया गया है। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे दो कलर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये बाइक आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।